हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई जो है बहुत ही शानदार चल रही होगी। नेशनल पार्क के पार्ट सेकंड में मैं भूपेंद्र सिंह पीपीटी लेक्चर में आपका स्वागत करता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे गुजरात। गुजरात में चार जो नेशनल पार्क है बहुत इंपॉर्टेंट है, वसंधा नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क और मेरिन नेशनल पार्क। जो गिर नेशनल पार्क है वो फेमस है एशियाटिक लायंस के लिए। मिजोरम में है मुरलेन नेशनल पार्क और फतगनपुई नेशनल पार्क। फतगनपुई नेशनल पार्क आप जैसे चाहें थोड़ा सा प्रनाउंस कर सकते हैं, अजीब नाम है थोड़ा सा। नागालैंड में है एंटंकी नेशनल पार्क। कहीं कहीं पे ये आई हटा के लिखते हैं लेकिन आई साइलेंट है इसलिए एंटंकी नेशनल पार्क बोलते हैं इसको, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये इमेज आप देख पा रहे होंगे, वॉल्फ्स, ये जो फॉक्सेस है किसी एनिमल को खा रहे हैं, नागालैंड का एंटंकी नेशनल पार्क। फिर है हमारा प्यारा राजस्थान। फ्रेंड्स, राजस्थान में है रणथंभौर नेशनल पार्क, टाइगर्स के लिए फेमस है, टाइगर दिख ही रहा है आपको। डेजर्ट नेशनल पार्क है, मुकुंद्रा हिल्स, दर्रा नेशनल पार्क है, केवलादेव गाना नेशनल पार्क है और सरिस्का नेशनल पार्क है। कुछ बुक्स में तीन पढ़ाते हैं लेकिन जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है जिससे बहुत से यूपीएससी एस्पिरेंट्स तैयार करते हैं उसमें राजस्थान में पाँच दिए गए हैं। तो आप ये पांचों नाम याद रखिएगा और नंबर आपसे एग्जाम्स में नहीं पूछेंगे क्योंकि पता है फालतू का नंबर देना पड़ जाएगा, कंट्रोवर्शियल टॉपिक है इसलिए। तो कुछ को मतलब मान्यता मिली हुई है कागज़ों में लेकिन लोग नहीं मानते, तो इसलिए फाइव है और थ्री भी है। तो पाँचों का नाम याद रखिएगा आप, ठीक है फ्रेंड्स। फिर है उड़ीसा। उड़ीसा में भितरकनिका नेशनल पार्क है, सिंपलीपाल नेशनल पार्क है। भितरकनिका अपने गड़िया लोगों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये देखिए फोटो आप देख पा रहे होंगे मगरमच्छ का। फिर है सिक्किम। सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क है। इसको कुछ टीचर खंग चंद जोंगा इस टाइप अजीब सा प्रनाउंस करते हैं लेकिन ये कंचनजंगा ही है। बहुत ही ब्यूटीफुल नेशनल पार्क है, पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है। फिर है उत्तर प्रदेश, एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तमिलनाडु में है गुंडी नेशनल पार्क है, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क है। श्रीलंका और आप एक चीज़ बताइए कमेंट में, श्रीलंका और भारत को कौन सा जल डमरू मध्य किस संधि से अलग किया हुआ, कौन सा स्टेट अलग करता है, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क है, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है, इंदिरा गांध लिखा गया सॉरी, मुदुमलई नेशनल पार्क है, ये तमिलनाडु में है। फिर है त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है, राजवरी नेशनल पार्क है। ये एनिमल दिख रहा है क्लाउडेड लेपर्ड जैसा कि पेड़ पर बैठा हुआ है। उत्तराखंड राज्य में है कॉर्बेट नेशनल पार्क, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है कॉर्बेट, पहले इसे हेली के नाम से जाना जाता है। आप बताइए किस साल ये बसा था। फिर है गंगोत्री नेशनल पार्क, गंगा नदी निकलती है इस ग्लेशियर से। राजाजी नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क है और वैली ऑफ फ्लावर्स है, ठीक है ना फ्रेंड्स। साइलेंट वैली अगर पूछे तो वो है केरला, वैली ऑफ फ्लावर्स जो है वो है आपके उत्तराखंड में। वेस्ट बंगाल में है सिंह लीला नेशनल पार्क है, नेवरा नेशनल पार्क है, गोरुमारा नेशनल पार्क है, सुंदरबंस है और बक्सा नेशनल पार्क है। ये देखिए मैंग्रोव्स दिख रहे हैं और ये टाइगर दिख रहा है जिससे बहुत ही साइलेंट सुंदरबंस फेमस है जिसके लिए द बंगाल टाइगर्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, इस पे है मिडल बटन आइलैंड नेशनल पार्क है, माउंट हैरियर नेशनल पार्क है, नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क है, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क है, कैंप बेल नेशनल पार्क है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एमपी में जो है भारत में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है पूरे 9, अंडमान और निकोबार में भी 9 ही राष्ट्रीय उद्यान है, दोनों जगह बहुत ज़्यादा है। ये यूटी है वो स्टेट है। जम्मू और कश्मीर, ये भी अभी यूटी है 31 अक्टूबर 2019 के बाद से। और यहाँ का जो राष्ट्रीय उद्यान है डाचीगम नेशनल पार्क प्रसिद्ध है अपने हिरणों के लिए, कश्मीरी मृग। फिर है लद्दाख, बहुत इंपॉर्टेंट है, हेमिस हाई नेशनल पार्क फेमस है अपने इस भोले से जीव के लिए जो कि स्नो लेपर्ड है, अगर आप मिल गए तो चट कर देता है, हड्डियाँ भी नहीं छोड़ता है ये। और ये जो हेमिस नेशनल पार्क जो है ये भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है फ्रेंड। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, छोटा ही वीडियो था। तो कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में और चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं।